दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके जो भी है, हमने जो उसके सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने पिछले जो प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स की कैपेसिटी कितनी होती है, उन सब चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। और मैंने कंप्यूटर्स की पूरी एक सीरीज अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग अगर इस चैनल पे सानवाज एजुकेशन चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो उसके पे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों देखिए, यही सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स, चाहे हमारे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, या फिर आप टैबलेट हो, मोबाइल हो, ये सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, डिजिटल कंप्यूटर्स हमने यहाँ पे इसको रख दिया था, इसको डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स में जो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो हम इसी डिजिटल कंप्यूटर्स को यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर मतलब होता है छोटा कंप्यूटर, सबसे माइक्रो मतलब सबसे छोटा, और जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते पाते जाते एक ही होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स का जो हम आजकल में जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले कंप्यूटर्स होता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर्स नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसे हम पीसी भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में जो नेक्स्ट नंबर है, उसको मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर्स के मुकाबले ये थोड़ा उससे बेहतर होते हैं, उससे ज़्यादा एडवांटेज होता है इसमें। थोड़ा देखिए, कंपेरिजन दोनों में किया जाए तो मिनी कंप्यूटर इससे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसके मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि इसकी सारी प्रोसेसिंग वगैरह, जिसमें सारी कैपेसिटी वगैरह सब बेहतर होती है किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हम मिनी कंप्यूटर समझ जाते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर से बेस्ट है मिनी कंप्यूटर। अब यहाँ पे इससे जो हम इससे भी एडवांस जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी देखिए, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर की दोनों की अगर कंपेरिजन करते हैं तो दोनों से बेस्ट होता है। तो क्योंकि ये दोनों बेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर जो होता है हम यहाँ पे यूज करते हैं कि छोटे छोटे काम के लिए, जब छोटे काम यूज करेंगे तो उससे बड़ा काम करने के लिए हमें बड़े वर्क की ज़रूरत होती है, बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। तो हमें बड़े कंप्यूटर मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब कमरे भर का कंप्यूटर नहीं, उसके सारी प्रोसेसेस, उसमें जो कनेक्शंस रहेंगे, उसके जो सिस्टम्स रहेंगे, वो सब मतलब उसमें इंपॉर्टेंस पार्ट्स रखेंगे। तो मतलब इंपॉर्टेंट मतलब होता है कि जो उसमें CPU या फिर वगैरह जो भी उसके कनेक्शन है, उसके जो भी होस्ट होंगे, सब उसमें मजबूत लगेंगे। तो मजबूत स्टॉक मतलब होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं। उसके बाद हम उससे मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी हम बड़ा देखते हैं कि यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है कि आज के डेट में हम जानते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे जो महान कंप्यूटर माना जाता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर माना जाता है, वो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। आज के डेट में सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो हम इस वीडियो में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है। हम इस चारों का, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हर एक के एक पोर्शन को हम अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा, हर एक वीडियो को मैं बना दूंगा, देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप्स की उसके डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस कुछ आगे देखते हैं कि अलग अलग इसके पोर्शन क्या होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ जो हमारे कंप्यूटर्स में डिजिटल कंप्यूटर्स के हम टाइप्स के बारे में बताने हैं। देखिए, हमने कुछ इंग्लिश में आपने कुछ देख लिखा है और यहाँ पे हिंदी में भी बताया है। तो हम देखिए इंग्लिश में इसलिए लिखे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में ही ज़्यादा समझते हैं, तो हमने उनके लिए इंग्लिश लिख दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी में समझते हैं। हम इस बारे में हिंदी में ही थोड़ा सा लिखा है, तो हम चलो बता देते हैं थोड़ा बहुत, और जिनको इंग्लिश में समझना है वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी उसमें नोट करके लिख दिया है। तो आप चलिए देखते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर सर्वाधिक छोटे होते हैं, मतलब सर्वाधिक मतलब यहाँ पे बताया कि जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं छोटे होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा लैपटॉप है और जो हमारा डेस्कटॉप होते हैं, हमारा मोबाइल होते हैं, ये सब क्या होता है कि हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम कहीं भी एक जगह से इधर से उधर कर सकते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, जिसमें ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। कहने का मतलब जो हमारा CPU लगा रहता है, जिसका हमारा हार्डवेयर, जिसमें हमारा उसके कंप्यूटर्स का दिमाग कहलाता है, वो हमारा CPU होता है। CPU के अंदर हमारा क्या है, ALU वगैरह, CPU वगैरह, MU वगैरह लगे रहते हैं। तो उसमें सारी चीज़ क्या होता है कि उसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी रहता है, कंट्रोल यूनिट भी रहता है, मेमोरी यूनिट भी रहता है, उसकी जो सारी याददाश्त होते हैं, उसके कंट्रोलिंग क्षमता होती है, उसके अंकगणितीयकार होते हैं,
तो हमारे सीपीयू के अंतर्गत लगे होते हैं, वो सारे हमारे एक ही चिप में लगे होते हैं जो सारा प्रोसेस करते हैं। तो हम माइक्रो कंप्यूटर आए हो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो मैंने अगर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताने लगा तो एक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बाद आता है जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप्स में हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर में हम देखते हैं मैं ये माइक्रो कंप्यूटर सर्वाधिक क्षमता वाले होते हैं। देखिए कहने का मतलब जो हमारा मिनी जो कंप्यूटर्स होता है वो हमारे क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस था माइक्रो कंप्यूटर उससे बेहतर होते हैं, उससे अधिक क्षमता वाले होते हैं, उससे ज़्यादा काम कर सकता है हमारा क्या मिनी कंप्यूटर, किसके मुकाबले माइक्रो कंप्यूटर्स के मुकाबले। तो और एक समय में प्रयोगकर्ता के रूप में आ सकते हैं, मतलब जो हमारा कंप्यूटर्स होता है एक ही समय में प्रयोगकर्ता के रूप में आ सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर्स होता है वो हमारे कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर बात कर रहे हैं, तो मिनी कंप्यूटर्स में हमारा जो क्या बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर होता है उसकी तुलना में एक ही समय में हम बेहतर से बेहतर और अच्छे काम कर सकते हैं, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स ज़्यादा टाइम में वर्क करता है तो उससे मुकाबले तो आ सकते हैं। फिर ये डाटा को अधिक संसाधित करता है, मतलब यहाँ पे संसाधित मतलब होता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं कि यहाँ पे जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स होता है माइक्रो कंप्यूटर्स के मुकाबले मिनी कंप्यूटर्स जो इसकी मुझे सारी तुलना हम समझ सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर हम सिंपल समझते हैं कि मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स से फास्ट होता है, क्षमता वाला होता है और वह उससे कम समय में ज़्यादा वर्क करता है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी करता है और ये ज़्यादा डाटा स्टोर करता है और इसमें एक ही टाइम में कई वर्क को इकट्ठा कर सकता और भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें कम समय में बेहतर कर सकते हैं। उसमें थोड़ा एरर भी आ सकता है, थोड़ा सा इशू भी आ सकता है लेकिन मिनी कंप्यूटर्स में उससे भी बेहतर हो सकता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर्स का नेक्स्ट पार्ट है तो उसके बारे में बात करते हैं। ये अति उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अति उच्च मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो उच्च भंडारण मतलब इसमें अधिक से अधिक चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं और यह मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये डाटा की बड़ी मात्रा को तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं, मतलब होता है जो हमारा डाटा होता है जो हमें यहाँ पे चीज़ें इनपुट कराते हैं कंप्यूटर्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, इसको हम ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर जब फास्ट है तो उसका मतलब होता है उन दोनों से ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है और कैपेसिटी है उनसे इनसे ज़्यादा प्रोसेस भी करेगा, हमारा काम भी निकालेगा तो उससे बेहतर है। और इनका उपयोग बैंकों में और बड़ी कंपनियों में और सरकारी विभागों में किया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा देखिए अब कहने का मतलब अब जब ये सबसे फास्ट है और सबसे तेज है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है तो हम इस कंप्यूटर का लगभग बैंकों में देखिए आप यूज करते हैं एक ही कनेक्शन में मेन फ्रेम फ्रेम मतलब एक फ्रेम में लगे होते हैं उनका सारा वर्क होता है और बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं और जो सरकारी विभाग होते हैं जैसे ब्लॉक हुआ और वहाँ सरकारी मतलब गवर्नमेंट जहाँ सर्विसेज होती हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। तो हम चलिए नेक्स्ट चलते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर्स का जब सबसे फास्ट और सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि जो सुपर कंप्यूटर्स यह देखिए जो क्या होता है तेज में गति और अत्यधिक संग्रह वाले होते हैं, मतलब होता है जो हमारा सुपर कंप्यूटर्स होता है इसमें क्या होता है कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से कार्य करता है, मतलब यहाँ पे नैनो माइक्रो सेकंड से भी तेज समझ सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि हम सोच भी नहीं सकते इतना तेज, मतलब यहाँ पे जो भी वर्क रहेगा मिलियन में बिलियन में पहुँच जाएगा, इतना तेज काम करता है। देखिए अब उसके बाद इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, कहने का मतलब जो इसका काफ़ी तेज काम करते हैं तो इनके लिए जो मशीनें लगेंगी और इनके लिए जो सारे प्रोसेस रहेंगे उसमें सारे मटेरियल्स रहेंगे जो इनकी सारी डिवाइसें रहेंगी वो ज़्यादा बड़ी बड़ी रहेंगी क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ी रहेंगी ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा। तो ये चीज़ें देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगी मतलब कहने का मतलब होता है मतलब यहाँ पे मशीन में कुछ भी हो सकता है जो बड़े बड़े सीपीयू होगा बड़े बड़े स्टोरेज होंगे बड़े बड़े हार्ड डिस्क होंगे या बहुत सारे प्रोसेसर लगेंगे बहुत बड़े बड़े तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो ये जो यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है यह पहला कंप्यूटर जो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर पहले कंप्यूटर माना जाता है वो क्रेवन जो 1976 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? रिसर्चर कंपनी द्वारा, यहाँ पे क्रे रिसर्चर कंपनी द्वारा बनाया गया था जो विकसित किया जाता माना जाता है। अब देखिए पूछते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है परम 10000 को हम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो देखिए हम अगर सुपर कंप्यूटर का अब नहीं समझ में आया होगा तो हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे तो आप लोग समझ सकते हैं उसमें क्या है क्या चीज़ें नहीं है। हम हर एक वीडियो को अलग अलग बताएंगे चाहे वो माइक्रो कंप्यूटर हो चाहे मिनी कंप्यूटर हो मेन फ्रेम हो और सुपर कंप्यूटर है,
हम हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को बस इसमें डेमो दिए हैं कि जो हम यहाँ पे पढ़े थे जो डिजिटल कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, तो हम इस टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स में यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स में जो टाइप्स होते हैं इतने प्रकार के होते हैं, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप सबको दिए हैं, लेकिन पूरी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग करके हम आपको दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।